ठीक है पक्का अपने पेंट को थोड़ा पतला कर देते हैं या पेंट को थोड़ा जो है इसको हम इसमें ये फला केमिकल कम डालते हैं, अगर इसमें थोड़ी भी कमी करेगा तो मांग आपकी कम हो जाएगी, मार्केट में आपका बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर आपका जिस परसेंट से बना वो चीज़ बदलूंगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप ये पेंट बनाएंगे तो आने वाले समय में, अभी तो मुझे बताया गया कि 320 किलो प्रतिदिन का बनाते हैं, यहाँ की भेली भी आती है, 320 किलो प्रतिदिन का बनाते हैं, 320 की जगह 3000 बनाएंगे और 3 लाख भी बना सकते हैं। ये हमारी मांग हो सकती है, हमारी जरूरत हो सकती है, और इसके हिसाब से ये मजदूरों का इनका जो है और रुतबा भी बढ़ेगा पूरे समाज में कि देखिए, और कि जो बिजनेस स्टार्ट होता है बड़ा छोटा से स्टार्ट होता है, चाहे टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, अडानी हो, कोई भी, सब कोई शुरुआत तो छोटे से करते हैं, उसको कहते हैं स्टार्टअप करते हैं। लेकिन स्टार्टअप के बाद जैसे जैसे पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आने के पहले यहाँ पे मैंने करीब 15-20 मिनट में मैंने सारी बातों को समझा कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस, गोबर से कैसे आप उसका जो है एक मिक्सर करके मिक्स करके बनाते हैं, कैसे उसको बिल्कुल एकदम महीन कर देते हैं जो उसके कण कण महीन कर लेते हैं, कैसे उसके मूल तत्व को आप अलग निकाल लेते हैं, कैसे उसको आप अलग अलग केमिकल को मिला करके ऐसा पेंट बनाते हैं कि जिससे कि आपको अगर कोई टच करे या कोई उसको अगर खा भी ले, बच्चा खा भी ले, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे तो हमारे घर घर में जब लोग छोटे बच्चे थे तो हमारी मिट्टी की दीवार होती थी, सब जगह गोबर का ही पेंट होता था, उसको कहते थे गोबर से लिपाई करते, अब ये पेंट हो जाएगा तो लिपाई करते थे, थोड़े दिन में निकल जाता था वो, कपड़े करके अलग हो जाता था, अब ये जब पेंट हो जाएगा तो इसका स्थाई बन गया, वो 5 साल 7 साल के लिए पक्का बन गया। तो मैं तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपका उद्योग इतना बढ़े कि हर महिला को अच्छा खासा हर महीने महीने की आपकी सेविंग भी हो, और तमाम सारे लोगों को जो मार्केट से और जगह से जो पेंट लाते हैं उसकी जगह इसी गोठा का पेंट, जो कि प्रेरणा पेंट के नाम से वो नाम से मशहूर। देखिए ये भी देख रहा था मैं अभी आपके नागर साहब से, मैंने रिपोर्ट मांगा तो देखा कि इसमें 14 स्वयं सहायता समूह, अभी मेरे पास वक्त नहीं था कि 14 स्वयं सहायता समूह में और क्या क्या करना, करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे गांव को आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए बहुत कुछ है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारी गांव की जो जरूरत है, गांव में जो बाहर से लोग ला रहे हैं या दूर से आपको जो कहीं दूसरे शहर से आ रहा है, आप हर एक चीज को यहां पे आप अपने गांव में ही बना सकते हैं। यहां पे जो हमारा पर्यटन भी है, यहां के लिए जो जरूरतें इनकी, चाहे उनकी खासकर सब्जियों की जरूरत हो, फल की जरूरत हो, उनको दूध की जरूरत हो, उनकी जो आवश्यकता है वो सारी सारी आवश्यकता की पूर्ति इसी गांव से हो सकती है। जितने सारे यहाँ आसपास में मंदिर है, जैसे कि आपने झारखंडी बाबा का, ऐसे बहुत सारे मंदिर मजदूरों में चढ़ावा होता है, सारा सारा यही से बन सकता है। एक आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना करके हमारा पूरे देश भर में इस प्रकार का काम, तो आपको अगर अपने इस हुनर को, सबसे पहली बात है कि हमको अच्छे से सीखना है आपकी जो भी आपका स्वयं सहायता समूह उस चीज़ के बारे में, जो बनाने के बारे में, जो अच्छाई यहाँ पे जिस चीज़ का मटीरियल यहाँ कितना है जो आप बना सकते हैं, आप उसके बारे में अच्छे से आप हुनर रखिए, आपकी स्किल आपने, और फिर उसको ईमानदारी के साथ बनाएं और उसको मार्केट के साथ लिंक करें, जिससे कि आपको कितना बड़ा सक्सेस हो जाए। अभी यहाँ पे रामचंद्र जी कह रहे थे कि यहाँ पे आने की रोड नहीं, बिल्कुल मुझे भी बड़ा बुरा लगा, मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बुरा लगा कि जब मैं यहाँ से चला धक्का खाते हुए यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे अगर दुकान पे पहुंचने धक्का खाएंगे तो मैं क्यों उस दुकान पे आएगा, क्योंकि आप यहाँ से बाल बेचेंगे। तो ये रोड के मैं बता दूँ कि पहले ही मुझे यहाँ आने के पहले ही प्रवीण जी ने बता दिया कि वो रोड कैंसिल कर, और रोड में एक छोटा सा व्यवधान था, छोटा सा व्यवधान तक होने को आया बताइए खोने, ठीक है ये कहना आप पैसे दीजिए, अपना पैसे दीजिए, अपना वो बाइक दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। हेलो जी, हमारे पिताजी का नाम है श्री झारखंडे राय और वो समाज सेवा के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहे हैं। जी आप क्या करते हैं? जी मैं अध्यापक प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा, प्राथमिक विद्यालय हरिपुरा शिक्षा क्षेत्र तो हरिघा। अरे बहुत बढ़िया, देखिए आपका क्या नाम है? आशीष राय। आशीष राय, पहले तो सारे लोग आशीष राय जी की अभिनंदन करेंगे। अरे ये एक शिक्षक थे हमारे प्राथमिक विद्यालय, नाम आपने बताया कि पिताजी का नाम झारखंडे राय।